वेलकम टू द चैनल फोर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैनाल ट्वाई टेस्ट प्रिपरेशन 2023 व्यूअर्स, कैनाल ट्वाई का टेस्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से पास हो जाए, इसलिए एक सीरीज शुरू की है कि पीपीएससी के पास पेपर्स क्वेश्चन जो 2022 और 2023 के टेस्टों में आ चुके हैं, जना एक पास पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। तकरीबन 30 से 40 पेपर्स हैं 2022 और 2023 के, अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका फरवरी का टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। अगर पिछले पेपर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं पेपर नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1, विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सिक्यूट फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल। तो बी ऑप्शन इज राइट, इक्वल, यानी एक्सेल में हर फार्मूला इक्वल से ही स्टार्ट होता है, इक्वल के बगैर कोई भी फार्मूला एमएस एक्सेल में स्टार्ट नहीं होता। तो नंबर 2 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जाइगेंटिक। तो जो जाइगेंटिक का मुतरादफ है वो है, इस सवाल में हमें ये बताना है। तो जाइगेंटिक का मतलब होता है अफ्रियत, यानी इसका मुतरादफ बिग मदर भी है, यानी कि बड़ी चीज। तो ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है, तो जाइगेंटिक का जो सिनोनिम है वो है ह्यूज। डी ऑप्शन इज राइट, ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे, एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्प्रेडशीट, यानी हम एक्सेल में जो काम करते हैं वो स्प्रेडशीट पर करते हैं, यानी छोटे छोटे मतलब खाने बने होते हैं, रो और कॉलम के मतलब है कि वो छोटे खाने बने होते हैं, वहां पे हम काम करते हैं, तो उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो ये आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो जिस पर हम काम करते हैं वो तो स्प्रेडशीट है, लेकिन जो एक्सेल की फाइल होती है उसको हम वर्क बुक कहते हैं। एक्सेल की फाइल को वर्क बुक, और एक्सेल पे जब हम काम करते हैं स्प्रेडशीट पर। अगर बात करें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में हम काम करते हैं पेज पर, और एमएस वर्ड की जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में हम काम करते हैं स्लाइड पर, लेकिन उसकी जो फाइल है वो प्रेजेंटेशन कहलाती है, क्योंकि हम वही मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह ही तैयार करते हैं। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन है, फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव का मतलब गुलाम, और डायनेस्टी का मतलब होता है शाही घराना। तो मतलब है कि फादर ऑफ, यानी इब्तिदा किस हुक्मरान ने की बरसगीर पर, गुलाम मतलब है कि जो हुकूमत थी शाही घराने की, तो वो मतलब इब्तिदा की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी। तो नंबर 6 पे क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। यानी जो स्प्रेडशीट की पहले हम बात कर रहे थे, स्प्रेडशीट में जो छोटे छोटे सेल होते हैं मतलब छोटे छोटे जो खाने होते हैं उसको हम सेल कहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट, सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 पे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। यानी एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस सवाल में हमें यह बताना। तो बहुत ही आसान है, यानी 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो 1000 होते हैं, और 1 मीटर में जो सेंटीमीटर वो 100 होते हैं, तो 1000 को 100 से ज़रब करेंगे तो जवाब आ जाएगा। तो ये कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब लिखिएगा, हालांकि डी ऑप्शन राइट लिखा हुआ है जवाब, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखना है, ताकि आप लोगों का थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर 8 पे क्वेश्चन है, रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट फाउंड इन। यानी जो RCD मतलब है कि कब फाउंड की गई, कब मतलब बनाई गई, तो वो ए ऑप्शन इज राइट, 1964 बनाई गई, 1964 यानी 1964 को RCD यानी रीजनल कॉपरेशन ऑफ डेवलपमेंट फाउंड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 पे, सोलर स्टेट कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। यानी जो सोलर प्लेट्स है वो मतलब है कि वो किस टाइप के होते हैं, उसमें सेल होते हैं या किस टाइप पे वो कंसिस्ट करती है, तो है फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल पे वो कंसिस्ट करती है। तो नंबर 11 पे क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। यानी ग्राफिकल जो हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो ए ऑप्शन इज राइट, पाई चार्ट कहलाता है, पाई चार्ट। तो 12 नंबर पे क्वेश्चन है, कचूरा लेक इज सिचुएटेड इन। जो कचूरा लेक है वो कहां पे वाकया, वो सकरदू में वाकया है, लेकिन पाकिस्तान की जो बड़ी लेक है वो है मंचर लेक, जो कि दादू डिस्ट्रिक्ट में वाकया है, लेकिन जो बाय हैंड यानी जो मसनूई लेक है सबसे बड़ी पाकिस्तान की, वो है केंजर लेक। ये भी इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 पे, हाउ सैड माइक्रोब्स आर एनिमलक्यूल। यानी मतलब एक माइक्रोब्स का मतलब था जरासीम। तो जो जरासीम मतलब है, किसने कहा था कि जरासीम होते हैं, एनिमलक्यूल का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े जो मतलब है कि खुर्दबीन वगैरह से ही नजर आ सकते हैं। तो मतलब है कि किसने कहा, इस सवाल में हमें यह बताना है कि वो छोटे कीड़ों में माइक्रोब्स यानी जरासीम होते हैं, ये किसने कहा था। सी ऑप्शन इज राइट, ये LW Lewin हुक, मतलब है कि ये मेरे जबान पर लफ्ज सही तरह नहीं आ रहा, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है, इसने कहा था कि छोटे जो मतलब कीड़े होते हैं उसमें जरासीम होते हैं। तो 15 नंबर पे क्वेश्चन है, हिंगोल रिवर
हंगोल रिवर इज सिचुएटेड इन विच प्रोवेंस, जो हंगोल रिवर है ये रिवर है यानी दरिया है, ये कहां पे वाक्य, तो ये बलोचिस्तान में वाक्य है हंगोल रिवर। तो नंबर 16 पे क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो पाकिस्तान बरेजम एशिया में वाक्य है और बरेजम एशिया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा बरेजम है। तो जो पाकिस्तान की अगर सही बात करें, बरेजम एशिया में वाक्य है लेकिन किस साइड पे, तो साउथ एशिया में पाकिस्तान वाक्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18 पे, 890 स्क्वायर मतलब एक, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैथ का, तो 892 को 892 से जरब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन इज राइट। तो ये मैथ का सवाल है, ये तो थोड़ा बहुत हल करके ही आप लोगों ने इसका जवाब निकालना होता है। तो 19 नंबर पे क्वेश्चन है, 1965 वाज स्टार्टेड फ्रॉम, यानी 1965 की वार कब स्टार्ट हुई थी, तो 1965 की वार 6 सितंबर यानी 6 सितंबर को 1965 की वार स्टार्ट हुई थी और 23 सितंबर तक रही थी, कितने दिन, 17 डेज रही थी, और उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान, अयूब खान के दौर में ये लड़ाई लड़ी, 6 सितंबर टू 23 सितंबर 17 दिन रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20 नंबर पे, इन एमएस वर्ड ए चार्ट कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड द स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड, यानी मतलब कि आप लोगों को एमएस वर्ड में एक मिसाल के तौर पर हम NA की 2 यानी जो ऊपर 2 लगा हो ये मतलब है कि अबव होता है और नीचे 2 लगा दे तो ये मतलब है कि बिलो लाइन होता है। तो ये जो ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है तो ये मतलब है कि ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, तो ये मतलब है कि लगाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, यही इस सवाल में पूछा गया है, तो वो हम करते हैं, सी ऑप्शन इज राइट, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि मैं मिसाल के तौर पर एन के ऊपर 2 लिख दिया, ये सुपरस्क्रिप्ट का काम है, अगर एन के नीचे 2 लिखना हो तो ये सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि काम होगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल, ये आप लोगों का सवाल क्लियर हो गया होगा। 21 नंबर पे क्वेश्चन है, जर्मनी रिमेन्स इन अलाइज फ्रॉम 1945 टू 1952 यानी 1942 तक। तो 22 नंबर पे क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड, यानी मतलब है कि पूरी दुनिया में जो अर्थ फील्ड यानी जो मिट्टी से बनाया गया है डैम, तो उसका क्या नाम है, ए ऑप्शन इज राइट, तरबेला डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा डैम है और जो पूरी दुनिया की में बात करें तो वो अर्थ फील्ड यानी मतलब कि मिट्टी से बनाया गया सबसे बड़ा डैम है। वैसे तो और मतलब बड़े डैम है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, विन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशन बाय इंडिया, यानी जो कश्मीर का मसला था यह यूनाइटेड नेशन कब ले जाया गया, तो बी ऑप्शन इज राइट, 1 जनवरी 1948 यानी 1 जनवरी 1948 को ले जाया गया। तो जो यूनाइटेड नेशन है ये बहुत बड़ी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का काम यह है कि जो बड़ी जंगों को रोकना और कश्मीर जैसे पेचीदा मिसाल को हल करना। तो ये कब बनी, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, ड्यूडेनम जुजुनम इज ए पार्ट ऑफ, तो ड्यूडेनम का मतलब है छोटी आंत का पहला हिस्सा, तो ये किसका पार्ट है, बी ऑप्शन इज राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब भी छोटी आंतड़ियां जो होती हैं वो ही है। तो ये पार्ट किसका, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 25 नंबर पे क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, तो सी ऑप्शन इज राइट, F7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मतलब है कि प्रेजेंट मौजूद होती है ह्यूमन की बॉडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे, इन 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह फॉर एनी अमाउंट, तो मतलब है कि जो उसने एक अंग्रेजों को बेचा था कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने, कितनी अमाउंट में, तो डी ऑप्शन राइट, 75 लाख, मतलब है कि 75 लाख में बेचा था उसने। कब बेचा था, 1846 में, ये डेट आप लोगों ने याद रखनी है, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है कि 1846 में मतलब एक अंग्रेजों को कश्मीर बेचा गया, किसने बेचा, महाराजा गुलाब सिंह ने बेचा 75 लाख में, 75 लाख में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, ड्यूरेंट लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन, यानी जो ड्यूरेंट लाइन है ये किसका बॉर्डर, तो ये सी ऑप्शन इज राइट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ड्यूरेंट लाइन कब बनी, 1893 में, ये डेट आप लोगों ने याद रखनी, 1893 में बनी, ये किसके द्वारा बनी थी, मतलब उस वक्त जो मतलब अफगानिस्तान के हुक्मरान थे अब्दुर रहमान
और दूसरे नंबर पे अंग्रेजों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था, ये लाइन बनाई गई थी डोनट लाइन वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, हाउ फाउंडेड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कब बनाया, मतलब किसने बनाई, तो सी ऑप्शन इज राइट, ए ओ ह्यूम, और कब बनी, 1885 में नेशनल ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, इसका मतलब है कि ए ओ ह्यूम ने बनाई थी। तो अगर बात करें, आप लोगों को शायद पहले पता भी होगा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात कर लें तो 1906 में बनी थी, और किसने बनाई थी, मतलब इसके पहले सदर कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, सर आगा खान, और कायदे आज़म ने ज्वाइन किया था 1913 में, और कायदे आज़म परमानेंट मेंबर इसके सदर बने 1934 में। तो इस बात का आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो, यानी पाकिस्तान सेंटो से कब अलहदगी इख्तियार की, तो बी ऑप्शन इज राइट, 1979 यानी 1979 को सेंटो को पाकिस्तान ने छोड़ दिया था, और ज्वाइन कब किया था, 1955 में, 1955 में पाकिस्तान ने सेंटो को ज्वाइन किया और 1979 में छोड़ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडस वाटर ट्रीटी साइंड सितंबर 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ब्रोक्ड बाय, यानी जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान का अंडस वाटर ट्रीटी का, ये कब हुआ था, सितंबर 1960 में, यानी 19 सितंबर 1960 को ये मुआहदा हुआ था, तो पाकिस्तान इंडिया का, तो ये किसने करवाया था, तो ए ऑप्शन इज राइट, वर्ल्ड बैंक ने, मतलब ये कि ये करवाया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का अंडस वाटर ट्रीटी का, जो कि 1960 में हुआ, ये डेट भी याद रखनी है, 19 सितंबर 1960 को ये मुआहदा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी इन माई स्टडी, तो इसमें मतलब क्या आएगा, हेल्प आएगा, हेल्प्स आएगा, हेल्प आएगा या हेल्पिंग आएगा, तो इसमें हेल्प्स आएगा, हेल्प्स क्यों आएगा, तो ये एक तो सबसे पहले हमें फिक्रे की पहचान होनी चाहिए कि फिक्रा किस टेंस का है, माई ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी इन माई स्टडी, तो ये फिक्रा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट फिक्रे में जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं जो कि वो सिंगुलर हो, मतलब के, तो वो उसमें एस का इजाफा किया जाता है, तो इसमें आएगा माई ब्रदर एंड फ्रेंड्स हेल्प्स मी इन माई स्टडीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फीचर ऑफ एमएस ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल कॉल्ड, तो जो मतलब एक ऑटोमेटिकली, मतलब एक कोई फाइल हमें एमएस वर्ड में सेव होती है तो वो क्या, वो मतलब एक क्या कहलाती है, तो ऑटो सेव कहलाती है, ऑटो सेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट द कर्सर इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में जो राइट साइड से जो कर्सर हम डिलीट करते हैं तो वो किस की से करते हैं, तो शॉर्टकट की वो है डिलीट, डिलीट से करते हैं, राइट साइड से हम डिलीट से करते हैं और लेफ्ट साइड से हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, राइट साइड से हम डिलीट के बटन से करते हैं डिलीट, और बी मतलब के लेफ्ट साइड से बैक स्पेस से भी वो लफ्ज़ ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।